हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या। और आज हम ये लुक करने वाली है, एक इजी पूजा लुक है। सबसे पहले मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर लेके अपने फेस में फिंगर की हेल्प से पहले हर जगह लगा के उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से डैप करते हुए मिक्स किया है ताकि हमारा फेस अच्छा हाइड्रेटेड रहे और हमारा उस फाउंडेशन क्रैक ना हो। आज हम डे लुक करने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा प्राइमर लगाया है। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है और अपने अंडर आइज के डार्क सर्कल को कवर किया है। इस लुक में आज हम फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। मैंने अपनी जहाँ भी फेस में डार्क स्पॉट, डार्क पैचेस जो भी थे उसको मैंने कंसीलर की हेल्प से कवर कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी एग्जैक्ट शेड ऑफ कंसीलर लेना है ताकि हमारा आपका फेस वाइट वाइट ना दिखे। इसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैप करते हुए पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ताकि हमारे फेस में कोई भी ब्लैक स्पॉट या दाग धब्बे ना रहे। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है सिस ब्यूटी का, उससे मैंने अपने डार्क सर्कल्स कवर किया है। अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए अपने चीक बोन्स के नीचे फोरहेड और नोज पे लगाया है। उसके बाद मैंने रेड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने नेक में भी और फेस में भी अपने कंसीलर को। देख सकते हैं आप, कंसीलर ने ही फुल कवरेज दे दिया है। मैं अपने नेक में भी कंसीलर जो एक्सेस के स्पॉन्ज में था उसे नेक में लगा लीजिए। उसके बाद NYBA का मैंने कॉन्टोर स्टिक लिया है, इसका शेड टॉफी है। उसके बाद मैंने अपने फेस कॉन्टोर कर लिया है, अपने नोज को भी कॉन्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से धीरे धीरे डैप करते हुए कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड किया है। अगर आप ये लुक डे के लिए कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपका कॉन्टोर शेड ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे करते हुए अपने कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिल सके। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का ब्राउ पेन लिया है, उससे सबसे पहले मैंने स्पूली से अपने ब्राउ के हेयर को कोम करके सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने उसके ब्राउ पेंसिल की हेल्प से उसे फिल किया है अपने आईब्रो को। फिर धीरे धीरे करते हुए पूरे आईब्रो को फिल कर लिया है। फिर उसके बाद फिर से मैंने स्पूली से हेयर को कोम कर लिया, यही मैंने अपने दूसरे आईब्रो के साथ भी कर लिया है। उसके बाद मैंने शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके अपने आईज और फोरहेड जहाँ जहाँ पूरे फेस को सेट कर लिया है ताकि हमारा फेस अच्छा वेल ड्राई रहे। अगर हमें स्वेट भी आए तो हमारे फेस में जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया था वो मेल्ट ना हो। उसके बाद मैंने मेबलिन का आईलाइनर लिया है, कलरसल लाइनर। उसके बाद मैंने अपनी लाइनर लगा लिया है। ध्यान रखिएगा आपको ये आईलाइनर आपकी मिडल ऑफ आई से लेकर आउटर ऑफ आई तक लगाना है, आपको फ्रंट में नहीं लगाना है आईलाइनर। इस लुक के लिए सिर्फ किनारे एक छोटा सा विंग बनाना है। उसके बाद मैंने एक आई लाइनर ब्रश लेके डार्क ब्राउन कलर लेके उस लाइनर को फिल किया है। यह आपने आगे जगह छोड़ी थी उसे डार्क ब्राउन कलर से धीरे धीरे फिल करिए और जो भी आपने विंग बनाया था उसके ऊपर भी उसे लगा दीजिए। यह बहुत इजी सा लुक है और इससे आपके आई लुक बहुत अच्छा और अमेजिंग दिखेगा। ये आपको भले टाइम टेकिंग लगे पर ये टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैंने अपनी इनर कॉर्नर्स ऑफ आई और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है एक शिमरी शेड के साथ, आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने आई लैशेज को कर्ल किया है ताकि डे लुक में मेरी आई लैशेज और अच्छे दिखे। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का काजल लेके अपने वाटर लाइन के सिर्फ आउटर एरिया में फिल किया है ताकि मेरी आईज ओपन और बिग लगे। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी वाटर लाइन में लगा लिया है। उसके बाद मैंने लाइक्मे का आइकॉनिक आई मस्कारा लेके अपनी आई लैशेज में ज़िगज़ैग करते हुए आई लैशेज को अच्छे से मस्कारा लगा लिया है। फिर मैंने अपने लोअर लैशेज में भी मस्कारा लगा लिया है। उसके बाद मैंने ये शुगर की लिपस्टिक ली है, इसकी शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये बहुत देर तक स्टे करती है। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन की शेड टॉफी लेके अपनी इनर लिप्स में फिल किया है। उसके बाद मैंने शुगर का ब्रॉन्जिंग पैलेट लेके अपना फेस को ब्रॉन्ज किया है
ताकि मेरा फेस बहुत स्कल्प्टेड दिखे। उसके बाद मैंने नोज को भी थोड़ा ब्रॉन्ज किया है, जहाँ जहाँ आपने कॉन्टोर लगाया था वहाँ वहाँ ब्रॉन्ज कर लीजिए। उसके बाद मैंने अपने फेस पे ब्लश लगाया है, नोज पे भी थोड़ा सा लगाया है क्योंकि ये डे लुक है उसके लिए। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया थोड़ा सा, हाइलाइटर आप ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि हमारा ये डे लुक में, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही हाइलाइटर लगाया है। फिर उसके बाद मैंने ये बिंदी के साथ ये लुक कंप्लीट किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।